पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल अजय रोतेला द्वारा पुलिस लाइन कुपेश्वर का निरीक्षण किया गया। पुलिस लाइन में आयोजित परेड की सलामी ली गई और परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में जनपद के समस्त उच्च अधिकारी तथा सभी थानों के थाना अध्यक्ष और जनपद के सभी पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान महोदय द्वारा AER एवं CER कर रहे पुलिसकर्मियों की किट का भी निरीक्षण किया गया। सालाना निरीक्षण के तहत क्वार्टर गार्ड, GD कार्यालय, शस्त्रागार, स्टोर कार्यालय, गणना कार्यालय, जिमखाना, पुलिस मैस, पुलिस बैरक, पुलिस कैंटीन, परिवहन शाखा समस्त अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा जनपद के समस्त थाना अध्यक्ष, चौकी प्रभारी और पुलिस कर्मचारियों का सम्मेलन लिया गया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए एवं लंबित आपराधिक विवेचनाओं के निष्कारण हेतु भी दिशा निर्देश दिए गए। यात्रा की बात कर रहे हैं तो पहले बार भी, पिछले साल भी आपको मालूम है करीब 20-22 लाख आदमी से ज्यादा आए थे। सड़क बन रही है, कुछ सुविधाएं भी बड़ी है, सड़क चौड़े होने के से कहीं पर अभी जहाँ पर कटिंग हो रही है वो हमारे लिए चैलेंजिंग रहेगा। खासतौर से अगर आप चमोली की बात करें तो आसपास जगह बहुत मीटिंग हुई थी कमिश्नर के साथ में, चारधाम के साथ में, उसमें BRO को बताया गया कि जो हमारे पुलिस के लिए बॉटल नेक्स हैं उनको ठीक कर दें जिससे कि यात्रा सुगमता से चल सके। अभी बताया इन्होंने अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, उसने कहा है शायद 5-7 दिन में काम शुरू कर देगा, अगर हो जाता है तो यात्रा में परेशानी कम होगी। कुछ हम लोग ये बात करिए इनसे जो NHAI वाले हैं, जल्दी से जल्दी ठीक कर दें, सर्फेस जितना अच्छा कर दें। उस दौरान तो यात्रा के दौरान तो कटिंग नहीं करेंगे, लेकिन ये रिटेनिंग वॉल्स वगैरह जो है ये बनाएंगे, संबंध में करेंगे। सर पुलिस का चैलेंज रहे हैं अभी तक तो 22 फुट करीब है इनको, उनमें कोई जहाँ प्रेशर आ रहा है। अभी आर्मी का अभी तो 1 जून तक टाइम है, इस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, उम्मीद करते हैं कि वो पिघल जाएंगे। अब जैसे पहले नहीं होता था कि बैद्यनाथ तक नहीं, इस बार बता रहे हैं बैद्यनाथ तक अभी तक गाड़ी जाने लग गई है, BRO उसमें काम कर रहे हैं।